वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स चलिए इस वीडियो में हम लोग कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से है फोर्टी फाइव ग्राम ऑफ वाटर एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इज इन बीकर इज कूल्ड व्हेन फिफ्टी ग्राम ऑफ कॉपर एट एटीन डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ़ द मिक्सचर और ये जो वैल्यूज है दिए गए स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया है इस्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है तो दोनों को मिक्स करना है अभी फाइनल टेम्परेचर क्या होगा तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ दो सब्सटेंस एक है वाटर एक कॉपर, तो दोनों का क्या क्या वैल्यू दिया है देख सकते हैं मास ऑफ वाटर दिया है फोर्टी फाइव ग्राम टेम्परेचर दिया है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस और फिफ्टी ग्राम दिया है मास ऑफ द कॉपर टेम्परेचर दिया है 18 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर पूछा तब देखिए ये सी दिया है यहाँ पर वाटर का फोर पॉइंट टू जूल पर ग्राम पर केल्विन और इसमें दिया है कॉपर का ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन जूल पर ग्राम पर केल्विन तभी यहाँ पर देखिए ये डिग्री सेल्सियस में दिया है और ये पर केल्विन में दिया है तो पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस एक ही होता है वैल्यू ठीक है एक डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो एक केल्विन भी बढ़ता है तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है और दूसरा चीज़ यहाँ पर ग्राम में है यहाँ भी ग्राम में दिया है तो इसलिए इस वैल्यू को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कभी यहाँ पर ग्राम में दिया है या के जी में दिया है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ठीक है ये बात पहले सोचना है उसके बाद अभी जब भी दो सब्सटेंस मिक्स करेंगे तो एक सब्सटेंस क्या करेगा हीट लूज़ करेगा दूसरा गेन करेगा कैसे डिसाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर देख लीजिए इनिशियल टेम्परेचर वाटर है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस कॉपर है एटीन तो ये हॉट बॉडी है ये हीट लूज़ करेगा और कॉपर लोअर टेम्परेचर में है तो ये हीट गेन करेगा तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे हीट लॉस्ड बाय वाटर तो यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है वाटर एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ये आएगा फाइनल टेम्परेचर एक्स में और जो कॉपर है ये एटीन डिग्री में है ये आएगा एक्स डिग्री में तो दोनों फाइनल टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर में आ जाएंगे उसके बाद हीट ट्रांसफर नहीं होगा अभी ये हीट लॉस्ट, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर में है तो इसलिए हीट लॉस्ट बाय वाटर अभी यहाँ पर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो फाइनल टेम्परेचर रहेगा इसलिए यहाँ पर कोई भी स्टेट चेंज नहीं होगा सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा इसलिए हम क्या करेंगे एम सी डेल्टा टी लगाएंगे इसमें जब भी टेम्परेचर चेंज होगा एम सी डेल्टा टी और मेल्टिंग फ्रीजिंग रहेगा कि विजिकल टू एम एल तो यहाँ पर हम मासव ग्राम सी है फोर पॉइंट टू और डेल्टा टी अभी देखिए ये वाटर का आप निकाल रहे हैं तो वाटर का पहले है फिफ्टी बाद में कम हो जाएगा एक्स तो फिफ्टी माइनस एक्स जो बड़ा टेम्परेचर है उसको पहले लिख लीजिए तो फिफ्टी बड़ा है एक्स से क्योंकि वाटर इज लूजिंग हीट तो ये फिफ्टी माइनस एक्स होगा अभी हीट बाय कॉपर ये भी फार्मूला लगेगा एम सी डेल्टा टी क्योंकि एटीन से इसके बीच में कोई चेंज इन स्टेट नहीं होगा तो अभी एम क्या है तो एम हम हम कॉपर uh, कर लेंगे तो एम एस फिफ्टी सी है ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन और डेल्टा टी देखिए यहाँ से पता चल जाएगा कॉपर पहले एटीन था बाद में एक्स आया हीट कर रहा है तो इसलिए एक्स बड़ा होगा इसलिए बड़ा माइनस छोटा एक्स माइनस एटीन तो यहाँ पर फिफ्टी माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स माइनस फिफ्टी बड़ा है इसलिए फिफ्टी माइनस एक्स तो जो सब्सटेंस का इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कितना चेंज हुआ माइनस कीजिए तो वो आपको मिल जाएगा तो अभी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है बाई द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मैट्रिक हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गैन तो ये वैल्यू जो है फोर्टी फाइव इंटू फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू को फोर्टी टू बाई टेन लिख देता हूँ फिफ्टी माइनस एक्स इक्वल्स टू फिफ्टी इंटू थर्टी नाइन बाई हंड्रेड एक्स माइनस एटीन तो ये आपको लिखना है तो आपको यहाँ पर एक मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर एक मार्क्स मिल जाएगा ठीक है तो ये हो गया अभी इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है क्लास सिक्स का इक्वेशन तो अब यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं जैसे इसको कैंसिल कर सकते हैं फिर ये नाइन फाइव टू फाइव तो टू टू कैंसिल कर सकते हैं उसको तो थ्री से कर सकते हैं देखिए तो चाहे आप दूसरे तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं तो लेकिन कैंसिल कीजिए छोटा हो जाएगा तो अभी केयरफुली आपको लिखना है क्या क्या बच गया थ्री इंटू फोर्टी टू फिफ्टी माइनस एक्स थर्टीन इंटू एक्स माइनस एटीन तो ये हो गया सिंप्लीफाइड इक्वेशन सो वन ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी माइनस एक्स थर्टीन एक्स थर्टीन इंटू एटीन फिर वन ट्वेंटी सिक्स इंटू फिफ्टी थर्टीन इंटू एटीन हजार टू हंड्रेड थर्टी फोर फिर हो गया सिक्स थ्री जीरो आगे सॉल्व करते जाइए तो इसको सॉल्व करने से देखिए ये, ये। Uh, इसको मैंने इधर लेके आया माइनस थर्टीन एक्स और ये सिक्सटी थ्री हंड्रेड को उधर लेके गया माइनस हो गया फिर वन माइनस वन थर्टी नाइन एक्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स फाइव थ्री फोर फिर डिवाइड करने से फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो जीरो सेवन ऐसे ऐसे रूल है कि आप थ्री डिजिट थ्री डेसिमल प्लेसेस में निकाल लिए फिर उसके बाद एक राउंड करके आप टू डेसीमल प्लेसेस में फिजिक्स को फिजिक्स का आंसर लिखना है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो वन डिग्री सेल्सियस से फाइनल टेम्परेचर थैंक यू